नहीं, ये जो हमारा आज का कार्यक्रम था वो कार्यक्रम दो हिस्से में था। पहला पार्ट ऐसा था कि हमारे जो टीचर्स हैं इस पूरे वेस्टर्न एरिया के, ये टीचर्स के और मुख्याध्यापक संस्था चालक, इनके कोई प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लम्स सुनने का एक कार्यक्रम था। इसी के लिए इसका नाम हमने कार्यशाला रखे हैं कि उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो तो वो सुनने का है, उनको क्या सोल्यूशन दे सकते हैं उसके बारे में कुछ सोचना है और कुछ फर्दर उनको किस तरीके से उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे इसके बारे में मार्गदर्शन था। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट ऐसा है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहते हैं कि बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भी गवर्नमेंट के नज़र में नहीं आते, कॉरपोरेशन के नज़र में भी नहीं आते, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा रहता है, उनकी वजह से वहाँ का एजुकेशन अच्छी तरीके से होते रहता है। ऐसा होते हुए भी उन लोगों को कभी संधि नहीं मिलती, इसके लिए हमने शिक्षक सेना के तरफ से यहाँ पे पूरी मालूमात ली, संस्था के तरफ से मालूमात ली, उसके बाद में हेडमास्टर के पास से मालूमात ली, और उसके बाद में हमने कोई टीचर्स को, हेडमास्टर्स को और संस्था चालक, जिनकी वजह से वो संस्था का शैक्षणिक दर्जा बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो रहा है, ऐसे कुछ संस्था चालक को हमने यहाँ पे उनका सम्मान किया है। सर, इस सम्मान समारोह से मुंबई के थे या पूरे महाराष्ट्र के? नहीं, ये मुंबई के जो पश्चिम विभाग हैं, क्योंकि अपने पास तीन शिक्षण निरीक्षक हैं, उसमें के एक शिक्षण निरीक्षक ये मुंबई पश्चिम के होते हैं। वो पश्चिम का जो एरिया है जहाँ बांद्रा से शुरुआत होती है और दहिसर तक है, ये एरिया के जो टीचर्स हैं करीबन 650 से भी ज़्यादा स्कूल्स इसमें हैं, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उसमें के अभी सब बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे मुख्याध्यापक हैं, प्राचार्य हैं कि जिनका सत्कार होना चाहिए, उनको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, तो उसमें से कुछ लोग प्रातिनिधिक स्वरूप में हमने सिलेक्ट किए और उनका सम्मान करने का हमने प्रयास किया है। बाकी आपके संगठन के बारे में जानना चाहेंगे सर, पूरे महाराष्ट्र में किस तरह से शिक्षकों के लिए काम कर रही है और कितने शिक्षक आपके संगठन से जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र में अभी शिक्षक सेना के करीबन 100,000 सभासद है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास अभी 36 डिस्ट्रिक्ट है और महानगर पालिका भी करीबन 28 महानगर पालिका है, नगर परिषदा है। यहाँ पे सब तरफ हमारे शिक्षक सेना के प्रतिनिधि हैं और ये सारे डिस्ट्रिक्ट में के जितने भी हमारे अध्यक्ष है, उसके बाद में उनकी कार्यकारिणी है, इनके माध्यम से टीचर्स के जो भी प्रॉब्लम्स वो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं वो सॉल्व करने का वो प्रयास करते हैं। जब कोई ऐसा इशू हो कि जो रीजनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, तो यहाँ पे हमारे पास वो उनके प्रश्न आते हैं और हम उनको रिलीफ देने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। कुछ शिक्षकों को जिम्मेदारी भी कुछ नहीं दी गई, कुछ बताना चाहेंगे? कुछ जिम्मेदारी भी दी गई शिक्षकों को आज तो वैसा वो माहौल ही नहीं था ना, आज तो लोगों की बात सुनने का था, उनके क्या प्रश्न है, उनको क्या तकलीफ है उसकी बात सुनने का था और उनको क्या रिलीफ दिया जा सकता है उसका मार्गदर्शन था। ये एक पार्ट में था और दूसरा तो सम्मान का कार्यक्रम था, तो इसमें आज कोई इंस्ट्रक्शन देने का सवाल नहीं। खाली हमने यहाँ पे मेरे भाषण में ऐसा मैंने बताया है कि टीचर्स के कुछ इशू है कि जो इशू पर ख्याल देना बहुत ज़रूरी है, जैसा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात है, टीचर्स की संख्या नए धोरण के वजह से बहुत कम हो गई है, वो संख्या संवारने का एक मसला आता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट टीचर्स हैं कि जिनके पोस्ट चले गई हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पोस्ट चली गई है, तो वो कैसा मिले इसके बारे में मैंने कुछ बताया है। और ये जब तक के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं, ये भी मैंने बताया। यस, राज्य शिक्षक सेना की ओर से आज यहाँ अंधेरी में भुता है स्कूल में कुछ प्रमुख शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा है और मुझे यहाँ पे निमंत्रित किया गया। ये देखा गया है कि बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, योगदान देती है, अपने जो अपना मुल्क होता है उसके अंदर जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा देना और उनको जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देना, यह जो कार्य है महान कार्य है।
और ऐसे काम करने वाले संस्था के जो प्रमुख है और मुख्याध्यापक है, प्रिंसिपल है, उनको बुला करके बहुमान किया गया। श्री जे एम अभ्यंकर ये राज्य के एजुकेशन डायरेक्टर थे और रिटायर होने के बाद में भी शिक्षकों की और शिक्षा का जो क्षेत्र है उनकी वो सेवा कर रहे हैं और उनके साथी जो है उन लोगों ने मिलके ये कार्य किया है। हम ऐसा मानते हैं कि हर जो शिक्षा के प्रांत में कार्य करने वाला है वो उनको अभ्यंकर सर की प्रेरणा से और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और ये जो कार्य है शिक्षक सेना का पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है इसी तरह का। सर क्या कहना चाहेंगे उसके लिए जो देश का भविष्य बनाते हैं आज भी अपने हक के लिए अपने जी ये भी है प्रश्न तो सभी लोगों को है और शिक्षकों के भी जो प्रश्न है वो भी उनके लिए एक परेशानी है, लेकिन हमारी पार्टी ये इन शिक्षकों के साथ में है और उनके प्रश्न जल्द से जल्द हल हो जाए। अभी जो एक पुरानी पेंशन का जो विषय चल रहा है उसके लिए शिक्षक सेना आंदोलन कर रही है और उसके लिए शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी ने पूरा समर्थन दिया है कि अपनी पूरी ज़िंदगी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के बाद में जो रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट की जो उनकी ज़िंदगी है वो अच्छी हो, सुरक्षित हो, इसके लिए यह योजना होना ज़रूरी है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं और शिक्षक सेना ये लगातार कार्य करती है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ।